जैको, क्या तुम अपनी पुरानी दोस्त की मदद नहीं करोगे? मैं फिजिक्स को नहीं बदल सकता। पर तुम बहादुर स्मार्ट और समझदार हो, तो जरूर कुछ ना कुछ सोच लोगे। ये सब तो सही है। पता है, तुम्हारा ये चार्म मुझ पर काम कर सकता था अगर तुम्हारी एज 10-15 साल कम होती तो। बदतमीज। नकली लेदर, तुम्हारी शिप तो बिल्कुल थर्ड क्लास है जाको। इस तरह मेरी इंसल्ट करनी है तो उतर जाओ। नहीं, मेरी सेटिंग्स मत बदलो। जरा म्यूजिक तो चलाओ। नहीं, तुम मुझे ऑर्डर मत दो। हे जैको। हाँ, बोलो क्या हुआ? मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करना। Yes, ma'am. Sorry, ma'am. मेरे पीछे मत का ध्यान रखना। यार, हमारा तो बुलंद इरादों वाली औरत से पाला पड़ा है। वो तो है। वैसे सच कहूँ तो मुझे उसका यही डेयरिंग नेचर बहुत पसंद है। मैं समझ गया वेजिटा, यही वजह है कि मैं भी चीची के साथ हूँ। तुम्हें पता भी है कि हम सेंस को स्ट्रॉन्ग औरतें अच्छी लगती हैं। हाँ? बस बहुत हुआ, सब कुछ समझ में आ गया। साथ कर दिया ये कहकर कि मैं उससे बेटर डिजर्व करता हूँ। ऐसे लड़कियों की फेवरेट लाइन होती है जब उन्हें ब्रेकअप करना होता है तो। तुम्हारा दिल तो बिल्कुल पत्थर का बना है बुलमा। तुमने जिस तरह मेरा मजाक उड़ाया, मैं उसका बदला लूंगा। लगा जैसे मैं मरी जाऊंगी। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। तुम कितने बड़े इडियट हो। क्या हुआ, ज्यादा बोल दिया? ओ नहीं, तुम्हारी एज से ज्यादा नहीं बोला। मेरा मतलब वो नहीं था। ओ वाइज मास्टर, मेरे पीछे जो अर्थ की लड़की खड़ी है, क्या आप उसका वेस्ट मेजरमेंट बता सकते हैं? इसका वेस्ट 83.4 सेंटीमीटर के करीब है। ये 87 सेंटीमीटर हुआ करती थी। इसकी उम्र बढ़ने के साथ ये कम हो गई है, जो कि ह्यूमन फीमेल में नॉर्मल नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने अपना सवाल वेस्ट कर दिया। मेरा सवाल? जरा खुद को तो देखो, तुमने 3 में से 2 सवाल बेकार के पूछे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बॉडी से ज्यादा स्पीड में बूढ़ा हो रहा है। लगता है कि मुझे जल्द से जल्द गैलेक्टिक हड्डियों के हॉस्पिटल जाना पड़े। हाँ बोलो। तुम और जैको ने मिलकर कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी ना? क्या मतलब गड़बड़ की? जलने की बू आ रही है। तो जैको तुम्हारे वेस्ट के बारे में क्या कह रहा था?